नारंगल जो ताला लगा है जिस मुस्लिम फ्रंट एक मजबूत जमात बीरवा में ही नहीं चला चाहते हो इतना पसंद करते हो डॉक्टर शफी साहब जोनल प्रेसिडेंट चुस्त बुल खुशकिस्मत छे ने ये खुश मैं क्या कहूँ वो बीरवा का हाल हमारी लड़ाई एक सियासी तंजीम से नहीं है कभी कभी हमें लगता है कि पूरे मुल्क की सियासत एक तरफ और हम एक तरफ मुकम्मल 2019 के बाद ये कोशिश की गई थी कि हमारी आवाज खत्म की जाए हमारी तंजीम जो है उसको खत्म किया जाए हमारे वर्करों को परेशान हमारे लीडरों को परेशान घरों में अफरा तफरी मची भाई को भाई से अलग किया गया बाप को बेटे से अलग किया गया लेकिन हम घबराए नहीं हमने अपनी लड़ाई छोड़ी नहीं क्योंकि हम जानते हैं जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं वो इंसाफ की लड़ाई है वो सच की लड़ाई है वो हमारे शनाख्त की लड़ाई है हमारे पहचान की लड़ाई है हमारी इज्जत की लड़ाई है हमारे वकार की लड़ाई है और इस लड़ाई में हम सौदाबाजी नहीं कर सकते ना आगे जाके सौदाबाजी करेंगे पूरे मुल्क को 60 साल लगे मुफ्त तालीम देने में अगर शेर कश्मीर ने सालों साल पहले यहां के बच्चों बच्चियों को मुफ्त तालीम यूनिवर्सिटी के लेवल तक ऐलान किया वो तभी मुमकिन हुआ तब कि 370 कानून जो है वो आईन में दर्ज था लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि जहां हम 370 की लड़ाई लड़े जहां हम अपने आईन की लड़ाई लड़े जहां हम अपनी शनाख्त पहचान तहफ़ुज़ की लड़ाई लड़े वहां हम मरकज को याद दिलाएं कि उन्होंने कौन से झूठ हमें सुनाए कौन से धोखे दिए जम्मू कश्मीर के आवाम को 2019 में कहा गया कि आपकी तरक्की में रुकावट सिर्फ 370 है 370 हटते ही आपकी तमाम शिकायत जो है वो दूर की जाएगी नौजवानों को कहा गया था कि आपके रोजगार में रुकावट 370 और ये 370 को चलाने वाले हल वाले हैं हर घर में कहा गया था कि 370 हटे तो बिजली की कोई कमी नहीं रहेगी पानी की कोई कमी नहीं रहेगी तरक्याती कामकाज अजूर पे होंगे वो दिन और ये दिन 370 तो उन्होंने हटाया लेकिन उसके बरक्स तबाही और बर्बादी के अलावा यहां के लोगों को दिया गया कहने के लिए तो यहां के आवाम को कहा गया कि 370 हटने के बाद शिकायत मत करो एहतजाज मत करो इसके खिलाफ मत कुछ बोलो और हम आपको बेहतर हुकूमत देंगे कहां गई वो बेहतर हुकूमत आज कम से कम 12-12, 14-16 घंटे बिजली कट हर घर में नए मीटर बिजली कहीं नहीं मस्जिदों में आज लकड़ी हुकूमत के तरफ से फरहम नहीं होती राशन के नाम पे लोगों के साथ धोखा कट करते 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 फी कार्ड पे ये 5 किलो राशन चावल पे आ गए 5 किलो चावल के बाद कहते हैं आटा ले लो अब ये समझते नहीं है हम आटा खाने वाले लोग नहीं हैं हम खाने के साथ रोटी नहीं खाते हम चावल खाने वाले लोग हैं बेशक चाय के कप के साथ हम रोटी का एक पीस खाते हैं
लेकिन जब हमें खाना खाना होता है हमें चावल चाहिए, 5 किलो चावल से किसका गुजारा होगा। और उस 5 किलो चावल के लिए भी आज हमारे लोग दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। यही हाल हमारे बेरोजगार नौजवानों का। कोई महकमा नहीं है आज जिसमें रोजगार के पोस्ट खाली नहीं है। जम्मू कश्मीर पुलिस में आज कम से कम 6,500 पोस्ट है खाली, बाकी में महकमों में भी हजारों की तादाद में पोस्ट खाली और भरने का काम नहीं हो रहा। जो सौदा करके हुकूमत करना चाहते हैं उनको खुली छूट है, करें। मैं कम से कम उनमें शामिल नहीं हूं।